अब हमें जो है दुम दबा के भागना पड़ रहा दोस्तों, अपनी जान बचा के दुम दबा के ट्रैक्टर फटाफट स्टार्ट कर लिया जल्दी। हाँ कुछ दिखाई दे रहा है, लाइट तेज करो, है कुछ है कुछ है, इधर आ जाओ, 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 इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। पूरी तरीके से अभी हमारी समझ में पानी आ रहा है कि है क्या चीज, और ऐसे में आपको पैर के निशान भी दिखा मैं तो यही कहीं पैर के निशान भी होंगे उसके। इस साइड को भागा था, इधर साइड में ये हाँ देखो, हाँ निशान देखो, ये दोस्तों हम बैठे हुए हैं इस समय ट्रैक्टर पे और ट्रैक्टर चल लिया है, हम जा रहे हैं जंगल में और ऐसी जगह जा रहे हैं आज इतने लोग हैं कि आज उस भूत को पकड़ने के लिए जा रहे हैं कि क्या है। ये देखो दो जने पीछे ट्रैक्टर पे टंगे हुए हैं, लठ ले गए, लठ तैयार है बिल्कुल। अब इतने लोग ट्रैक्टर पे बैठ के जा रहे हैं, खतरे का मामला कुछ जरूर से ज़्यादा है और इसीलिए ट्रैक्टर लेकर के जा रहे हैं। और अभी गाँव से हम निकल रहे हैं और जो हम पहुंचने वाले हैं उस जगह, तो अभी थोड़ा वक्त लगेगा पहुंचने में। बहुत ही खतरनाक जगह जा रहे हैं दोस्तों, और कम से कम ट्रैक्टर पे 10-12 लोग हैं। इधर जो तेंदुए का और कोई आदमखोर जानवर भी बताते हैं, वहीं चल के देखते हैं क्या है क्या नहीं है। नमस्कार दोस्तों यार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भारतीय टीवी एक नई खोज पर। और आज हम आ गए हैं और गांव से भी आपको हमने दिखाया कि हम ट्रैक्टर से जो है ट्रैक्टर हमने आग लगा दिया है और कम से कम 9-10 जने हैं, गांव के लोग हैं और साथ में हमारे भैया हैं ये आर के राणा जी, और इनसे हम जानकारी लेंगे और थोड़ी सी कि इधर ऐसा गांव में क्या मामला है जो वो जानवर जो है मतलब जानवरों को उठा करके ले जाता है, क्या चीज़ है वो, कुछ उसके बारे में थोड़ा बता ही जाए। देखिए मैं आपको बताऊं, अभी इस गांव में महीने भर पहले एक तेंदुआ देखा गया और महीने भर के अंदर ही 2 हादसे उस तेंदुए के द्वारा किए गए हैं इस गांव में, और गांव में तेंदुए की वजह से पूरा दहशत का माहौल है, आप समझ रहे हैं। तेंदुआ जो है देखने में चीते की तरह लगता है, तो गांव के लोगों को तो इतनी जानकारी है नहीं, तो वो जो है ज्यादातर उसको चीता या शेर टाइप का ही समझ रहे हैं। तो जहां हम खड़े हुए इस समय जी, ये पुल सा बना हुआ है जी, और आपने बताया था हमने गांव में पता किया था कि कुछ ये रास्ता कुछ डरावना भी, यानी कुछ बिल्कुल कोई चीजें यहाँ पे देखी भी जाती है। हाँ देखी जाती है, और गाँव के लोग जो है इस रास्ते से रात में निकलना बहुत मुश्किल से करते हैं, बड़ी इमरजेंसी में ही निकलते हैं। और जो आदमखोर तेंदुए की मैं बात कर रहा हूँ वो इतना आदमखोर है कि गांव में घर के पास जो घर के बाहर जैसे पशु बंधे रहते हैं, तो अभी महीने भर पहले ही जो 2 हादसे हुए हैं, उन 2 हादसों में जो पशु के छोटे बच्चे होते हैं जिन्हें हम बछड़ा या बछिया बोलते हैं, और उन पर इतनी बुरी तरह से हमला किया गया कि उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, और आधे आधे हिस्सा जो पीछे का है बछिया का बछड़े का 2 पशुओं का उसने खा लिया। इतना ज़्यादा आतंक यहाँ पे तेंदुए का इस गांव के अंदर है
कि वन विभाग द्वारा जो है यहाँ पे उतनी सख्ती नहीं है, लेकिन पिंजड़ा जो है दूसरी लगाया गया। अब अपन इस समय यहाँ पर खड़े हुए हैं तो यहाँ कितना खतरा महसूस हो सकता है? यहाँ खतरा इतना महसूस है कि आप देख सकते हैं, कैमरामैन जरा इधर कैमरा घुमाएं, इतने सारे लोग हमारे साथ आए हुए हैं, हम सब लोगों को ये सिर्फ सेफ्टी के लिए आए हैं कि खतरा इतना ज्यादा है कि किसी के हाथ में फावड़ा है, किसी के हाथ में डंडा है, आप देख सकते हैं इतनी मुस्तैदी के साथ आए हैं और उसके बावजूद भी इतना यहाँ पर डर लग रहा है हमें वीडियो शूट करते हुए कि ये हम खुद महसूस कर सकते हैं कि कितना यहाँ पे डर है। एक डर का माहौल बहुत ज्यादा भयंकर बना हुआ है। और आज ट्रैक्टर आए दिखाते हैं, जिस ट्रैक्टर से हम आए हैं आगे, तो ट्रैक्टर भी खड़ा हुआ है। यहाँ पर बाइक से आना या पैदल आना जो है नामुमकिन है, इसलिए हम इतने सारे लोग यहाँ पर गांव के आए हैं, करीब 8-10 लोग हैं और वो भी जो है पूरी सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ यहाँ पर लठ लेकर के, कोई फावड़ा लेकर के इस तरह से आए हैं और इस ट्रैक्टर से हम आए हैं, ना कि हमने किसी बाइक का सहारा लिया है, क्योंकि ट्रैक्टर एक सेफ्टी जैसी चीज़ है और बड़ा वाहन है, तो इससे जो है हमारी सुरक्षा भी है। और काफ़ी दूर ये जो है घना जंगल है, गाँव के पास ही पड़ता है हालाँकि, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे खतरा है। आपको दिखाएंगे आगे किस तरह से यहाँ पे खतरा है और वो हो सकता है यहीं कहीं छिपा हुआ हो, आपको देखने भी मिल सकता है। आप हमारे साथ बने रहें और आगे आपको हम दिखाएंगे। यार खतरे की बात है, आज हम जिस लोकेशन पर आ गए हैं दोस्तों, तो कुछ ज़रूर से ज़्यादा खतरे की बात है। और जो ये इन्होंने भी रास्ता बताया है, जो पुल बताया है, ये यहाँ पर कुछ एक्टिविटी भी जो है रात को, यानी कि कोई व्यक्ति यहाँ से रात को जो है बिना बड़े वाहन के जो है नहीं निकल पाता है। और इसी खतरे को भांपते हुए हम जो गांव के इतने सारे लोग इकट्ठे होकर कहीं आए हैं, तो देखते हैं यार उसे कोई ढूंढने की कोशिश करते हैं। रात में ज्यादा दिखाई देता है, चलते हैं रात में, किधर चले? इस साइड में चले, इस साइड में, ये नाला, ये एक नहर टाइप है, इस साइड में चलते हैं। भाई थोड़ा ध्यान रखना साहब अपना अपना, अच्छा आ जाओ, आ जाओ पीछे, पूरा ध्यान रहेगा। कुछ दिखा है इधर, है कुछ है, हाँ कुछ है, कुछ है। डॉक्टर साहब कुछ है, लाइट तेज करो, थोड़ी सी लाइट तेज करो हल्की सी, क्योंकि सर यहाँ मामला बहुत खतरनाक है, ठीक है, लाइट थोड़ी तेज रहनी जरूरी है। बस आओ थोड़ा पास आओ, थोड़ा भाई थोड़ा डंडा वंडा थोड़ा तैयार रखना है, इधर 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 घने घना घने पेड़ हैं इधर, मुझे ठीक है, देखते भी यही देख लेंगे। है कुछ, है कुछ, है इधर आओ, 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 है कुछ है, देख देख, हाँ देखो तो पीछे ना जा, कुछ था यार, है लेकिन अब नहीं है कुछ भी, कहाँ गया उधर, है गायब गायब, वही भूती है वो, सब है भाज को तो पहुँच गए एकदम यार, है भाई है, बाकी में है तो जरूर यार। अरे मैं तो डर ही गया पूरा, मुझे तो देख के एकदम कप कप, ये चीजें एकदम मार देती हैं, हाँ ये एकदम अटैक करते हैं, ये चीज एकदम से हमला करते हैं। आओ आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, भाई शांत, सब सब शांत हो, शांत सब सब शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, डंडे लेके जरा पीछे साथ आओ, साथ शांत रहो, आवाज कम करो थोड़ी सी, सामने पेड़ के पीछे कुछ छिपा हुआ दिख रहा
हाँ कुछ दिखाई दे रहा है भैया, हाँ कुछ दिखाई दे रहा है। लाइट तेज करो, इधर से देखो, इधर से देखो सामने कुछ। हाँ कुछ, हाँ दिखा दिखा दिखा, है क्या चीज है भैया? है, इधर ही है भाई, कुछ ना कुछ। आराम से एकदम, थोड़े थोड़े आगे चलो, सब लोग आगे चलो। यार बहुत खतरनाक चीज है भाई, कोई में बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक चीज है। आज जैसा जानकारी मिली थी, इतने लोगों के साथ यार, इतने लोग यहाँ पर साथ हैं और इतने ज्यादा डर लग रहा है कि हम जो है हथियारों से, डंडों से लैस हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पे डर का माहौल हमारे अंदर पैदा हो रहा है, बहुत ज्यादा है। दुआ आओ, दुआ देते हैं, लेकिन हम फिर भी प्रयास करेंगे कि हकीकत क्या है ये देखने के लिए, हम देखने उत्सुक हैं। है क्या कुछ अभी, अभी तक नजरों के सामने उस तरह से नहीं आ पा रहा है वो जानवर, जो भी चीज है। शांति बनाए रखना थोड़ी बहुत, अच्छा डंडा ले लो, डंडा ले लो, शांति से रहना, शांति से एकदम डंडा ले लो, डंडा ले लो, डंडा ले लो। यहीं पर है, यहीं पर है वो छिपा हुआ, भी यहीं पे छिपा हुआ, वो देखो, वो उसके पीछे देखो पेड़ पे, ये तीन पेड़ है ना, इनके पीछे किसी फावड़ा में लग जाए, किसी फावड़े को साफ रखो, पलट के भागो, किसी लग जाए झाड़ियों में ना हो, ये झाड़ी देख रहे हो, ये झाड़ी, ये सामने वाली झाड़ी, ये झाड़ी में छुपा हुआ हो सकता है। और ये होता, उधर 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 कोई आवाज हुई, कोई आवाज हुई, पानी पानी की तरफ, इधर इधर कोई चीज कूदी है। हाँ इधर इधर कोई, इसमें कुछ, हाँ कोई चीज है यहाँ, यहाँ यहाँ जूम करो थोड़ा सा, मारो 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 मारो, जल्दी उतर गया, गया इधर गया, इधर गया, इधर गया, इस साइड में हाथ नहीं आएगा, अब नहीं आएगा, अब डर गया, वो डर गया, वापस भी आ सकता है, ज्यादा लोगों को देख करके, ज्यादा लोग, ज्यादा आगे मत जाइए, ज्यादा लोगों को देख करके वो डर रहा है, हमला करने की कोशिश कर रहा है वो, लेकिन उसे ज्यादा लोग दिख रहे हैं ना, तो वो डर के भाग रहा है, लेकिन बाकी में यहाँ दोस्तों पूरी तरीके से, पूरी तरीके से अभी हमारी समझ में आनी आ रहा है कि है क्या चीज, और ऐसे में आपको पैर के निशान भी दिखा मैं, तो यही कहीं पैर निशान भी होंगे उसके, इस साइड को भागा था वो, इधर कुछ साइड में, इधर ये देखो, ये देखो, ये हाँ देखो, ये हाँ निशान देखो, ये इधर भागा वो, इस साइड में, इस तरफ को ईख में गया, ईख में, ईख में गया वो, इस इधर यार ऐसा ईख से दूर रहो, ईख से दूर रहो, ईख से दूर रहो, ईख से दूर रहो, क्या कुछ पता नहीं है कि वो चीज इसके अंदर ही घुस चुकी है, और निगा भाई चाहो तो रखो तुरंत एकदम अपने आगे पीछे ध्यान कर सके, डॉक्टर साहब थोड़ा पीछे भी देख लो यार, पीछे लो पीछे, तुम्हें बताना पड़ता है डॉक्टर साहब, तो कुछ चाहो तो निगा रखो, तुम पीछे पीछे चल लो, एकदम तुम्हारे पीछे अटैक ना मार दे कहीं, वो ये सब लोग आगे आ गए कैमरे पे, या तुमसे आगे चलो, चलो भैया, अरे दो लोग पीछे आ जाओ, दो लोग पीछे आ जाओ, मैं हूँ डंडा लेकर, तू थोड़ा कैमरा पीछे, सेफ्टी जरूरी है भैया, हाँ। तुम यार, हाँ। यार राणा भाई एक काम जी, करो जी, कैमरा तुम ले लो यार इनसे, अच्छा कैमरा तुम ले लो, लो डॉक्टर साहब को कैमरा ले लो,
क्योंकि जो है मुझे लग रहा है डॉक्टर साहब कैमरा जो है ना ये हम ही दिखाने पर जाएंगे और कहीं ऐसा ना हो हमला कर दे पीछे से। तुम चाहो तो रुक निकाल रखो अपनी। वो डंडा कहाँ है? एक छोटा वाला डंडा था है? वो कहाँ छोटा वाला डंडा कहाँ? छोटा एक पाइप सा था प्लास्टिक का। वो डंडा डंडा है वो तो डंडे क्या करो टूट जाएगा वो। अरे टूटने जाएगा लेकिन हाथ में तो होना चाहिए। तुम एक काम करो ये पकड़ो हाथ में लो। काला भाई पीछे देखो अपने। आवाज आ रही है आवाज। अरे इधर से इधर 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 ईख में ईख में ईख में। अरे भागो भागो भागो। अरे भागो भागो इधर ही है भागो। अरे मुझे भी ले चलो मैं तो पीछे ही रह गया। अरे अरे मैं तो पीछे ही रह गया। रुको रुको भाई देखो रिक्स का काम लेने की जरूरत नहीं है। उधर उधर ईख में छिप गया वो डर की वजह से। चलना ठीक है यहाँ से चलना ठीक है। अपनी जान जान है तो जहान है। बहुत खतरा है यहाँ जो बाकी खतरा बहुत खतरा है। और यहाँ पर एक नहीं कई है कई सारे हैं कई सारे झुंड है पूरा। ओए इधर देखो अभी था वही। हाँ अभी वही था। नहीं वो हमारे पीछा कर रहा है अब हमें जो है दुम दबा के भागना पड़ रहा दोस्तों। अपनी जान बचा के दुम दबा के ट्रैक्टर फटाफट स्टार्ट कर लिया। जल्दी 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 भाई साहब मैं तुम्हें बता रहा हूँ बहुत समस्या आई है बता रहा हूँ। बैठो बैठो भगाओ 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 जल्दी 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 भगाओ। ट्रैक्टर को वापस करते हुए जल्दी निकलो फटाफट। अब पुल पार करके रोक लो है दोस्तों। यार बहुत ही खतरनाक जगह है और वो किधर से भी हमला कर सकता है। और ट्रैक्टर लेके वो आगे जा चुके हैं मुझे भी यहाँ से। बहुत खतरनाक जगह है यार। ये सब लोग कहाँ भाग गए? ट्रैक्टर लेके और मैं अकेला रह गया यार। पता नहीं किधर इतनी तेजी से ट्रैक्टर लेकर भाग गए सबके सभी। और मुझे डर लग रहा है कि यार किधर के हैं क्या हो रहा है। इधर से आवाज आ रही है यारी किधर से आवाज आ रही है। कुछ तो है यार यहाँ पे। अबे यार इधर कोई ईंख में कोई है यार। ईंख में कोई है यार इधर। इधर कोई ईंख में है। ट्रैक्टर लेके कहाँ चलेगा यार ये? अबे कहाँ गए भाई ट्रैक्टर लेके? ये निकलना चाहिए यार। कुछ है।
अब मुझे अकेला छोड़िया यार तुम सारे सारे भगिया है हैं। हमें तो खुद डर लगता है यहाँ रहने हमें, से। हमें खुद डर लगता है जी हम तो बस आएंगे तुम्हारे साथ कैसी वरना हमारे तो इतने डर लगता है कि इधर इतना कोई निकल जा। अरे अभी कुछ यार एक में अभी कुछ था उधर पीछे। हाँ जी हाँ हम रहते हैं यहाँ पर तो रहते ही हैं। हमें तुम्हें बताई थी ना पहले ही गाँव के पास ही बताई थी इधर जिनावर रहते हैं इधर खतरा है इधर मत आओ। तो यार तुम मुझे छोड़ के क्यों भगिया यार तुम मुझे अभी कोई मैं तो अपनी जान प्यारी है और उसे हमें क्या लेना। चलो फिर एक काम करो निकलो यार चलो निकलो यार निकलो।